अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सर काइंडली बात सुनिएगा। जी सर काफ़ी स्टूडेंट्स ने आज क्लास ज्वाइन नहीं की क्योंकि काफ़ी एरियाज में उसका नाम है सिम का सिग्नल ड्रॉप है, इंटरनेट के ड्रॉप है और वाईफाई के बंद है। वो उनके मैसेज आए हुए थे मुझे, तो वो कह रहे हैं इसलिए हमारे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हुई और क्या कहते हैं लेक्चर भी नहीं होने लिया। इट्स ओके। मैंने इसलिए जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, फिर वो रिकॉर्डिंग सुन ले। हाँ, चलिए ठीक है सर। यही कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। जी बाकी सर ये ठीक है। जिनके असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई वो कंपाइल करके दोबारा जो है आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा सबकी। जी ठीक है सर। जी हम अपने लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वी हैव स्टडीड द सम कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड। द मोस्ट कॉमन वे टू डिफाइन द डेवलपिंग वर्ल्ड इज बाय पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक डिवाइडेड द कंट्रीज बाय देयर GNI पर कैपिटा। लो इनकम कंट्रीज इन द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन कंट्रीज विद द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ लेस देन $1,045 इन 2014 आर कंसिडर्ड एज द लो इनकम कंट्रीज। देर आर टोटल 31 कंट्रीज जिनमें अफगानिस्तान, गंबिया, रवांडा, सोमालिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिम्बाब्वे, नेपाल, ये एट्सेट्रा, ये कंट्रीज हैं। टोटल ये 31 कंट्रीज हैं लो इनकम कंट्रीज में जिनकी पर कैपिटा इनकम $1,045 से कम है। तो आप इसको 2019 के मुताबिक भी अपग्रेड कर सकते हैं। 20 के मुताबिक अवेलेबल होगा डाटा। डिफाइनिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड लो मिडल इनकम कंट्रीज। जिस तरह मैंने बताया था कि मिडल इनकम कंट्रीज की दो क्लासिफिकेशन है, एक है लो मिडल इनकम कंट्रीज और दूसरा है अपर मिडल इनकम कंट्रीज। इन द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन कंट्रीज विद GNI पर कैपिटा बिटवीन $1,046 टू $4,125 इन 2014। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम एट्सेट्रा। दीज आर टोटल 51 कंट्रीज। एंड अपर मिडल इनकम कंट्रीज आर कंसी द कंट्रीज विद GNI पर कैपिटा बिटवीन $4,126 टू $12,735 इन 2014। फॉर एग्जाम्पल प्राग, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, ब्राज़ील, तुर्की, दीज आर मोस्टली इमर्जिंग इकोनॉमीज। टोटल 53 कंट्रीज हैं। एंड द हाई इनकम कंट्रीज विद मोर देन $12,735 GNI पर कैपिटा, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, अर्जेंटीना, कतर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, चाइना, रशियन फेडरेशन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सऊदी अरेबिया, सो ऑन। दीज आर टोटल 80 कंट्रीज। दीज आर हाई इनकम कंट्रीज। सम आर डिफाइंड, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। आगे कुछ है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, कंट्रीज एट अ रिलेटिवली एडवांस्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अ सब्सटेंशियल एंड डायनामिक इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड विद क्लोज लिंक्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सिस्टम लाइक चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, मैक्सिको, टर्की, ब्राज़ील, थाईलैंड एंड इंडिया इन 2015। ये 2015 के मुताबिक ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। ऐसे कंट्रीज हैं जिन जिन्होंने ट्रेड की वजह से जो है वो अपने आप को ग्रो किया है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेशन ऑफ कंट्रीज
with low income, low human capital, and high economic vulnerability. These are 48 countries declared by World Bank 2015 के मुताबिक. ये least developed countries मतलब जहाँ पे income, human capital and economic access जो है बहुत poor है, उनको least developed countries कहा गया है. There are some basic indicators of development. Real income, health and education. ये जो है basically हम development के लिए जो इन basic indicators को use करते हैं. First one is purchasing power parity. Purchasing power parity is defined as the number of units of foreign currency, foreign country's currency required to purchase the identical quantity of goods and services in the local developing country's market as $1 would buy in the United States. देखें आप लोगों ने nominal GDP, real GDP में difference पढ़ा है. हम जो करंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है. हम जो करंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है. और अगर हम प्रीवियस प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी कहलाती है. ये था विद इन कंट्री. अगर हमने क्रॉस कंट्री कंपेरिजन करना हो, अगर हमने अक्रॉस कंट्रीज कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए जो रियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं. वो एक्चुअली हम यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से कैलकुलेशन करते हैं रियल इनकम, रियल जीडीपी को. तो वो हम उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे हैं. मतलब अगर हमने देखो नॉमिनल इनकम कंट्रीज की कंपेयर करनी है, अक्रॉस कंट्रीज कंपेयर करनी है, तो वो तो सेम वे में हो जाएगी. लेकिन अगर रियल इनकम हमने कंट्रीज की कंपेयर करनी है तो हर कंट्री का प्राइस लेवल डिफरेंट है, तो उनका कैसे हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं. हर कंट्री का जीडीपी डिफ्लेटर डिफरेंट है ना. देखें नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, ये कहलाएगा रियल जीडीपी. अब हर कंट्री का जीडीपी डिफ्लेटर डिफरेंट होगा तो फिर हम कैसे विद इन कंट्री, तो हम जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन कंट्री. लेकिन अगर हमने कंट्रीज का आपस में कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए फिर प्राइस लेवल डिफरेंट है. फिर उसके लिए हम प्राइस लेवल एक सेट करके जो है वो रियल वैल्यूज निकालते हैं, रियल जीडीपी या रियल जीएनपी जो भी है कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए ही इस डेफिनेशन पे हम आएंगे. लेट्स सपोज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1600, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है $1600 पर ईयर. $1600 में पाकिस्तान में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, $1600 में पाकिस्तान में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में कितने की आएंगी, वो बनेगी हमारी GNI पर कैपिटा विद परचेजिंग पावर पैरिटी. दोबारा बोलता हूँ कि जितनी पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है लेट्स सपोज $1600. अब इन $1600 में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान में अवेल होती हैं हमें, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में अवेल करने के लिए कितने डॉलर रिक्वायर है. लेट्स सपोज वो रिक्वायर है यूएसए में 4500. तो ये जो $4500 होगी ये हमारी जीडीपी पर कैपिटा होगी विद परचेजिंग पावर पैरिटी, या ये होगी रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा जीडीपी क्रॉस कंट्री एनालिसिस के लिए. ये पॉइंट क्लियर है परचेजिंग पावर पैरिटी का. परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्रीज करेंसी required to purchase the identical quantity of goods and services in the local developing country market as $1 would buy in the United States. ye isko is tarike se hum define karenge. maine example aapko mention kiya ki jitni $1600 ki baat kar raha hu ki agar pakistan ki income $1600 let's suppose to $1600 mein jitni goods and services pakistan mein avail hoti hain utni amount ki goods and services usa mein kitne ki avail hongi, वो जितने की वेल होंगी वो हमारी इनकम कहलाएगी विद परचेजिंग पावर पैरिटी. तो हर कंट्री इस लिहाज से यूएसए के प्राइस लेवल के साथ कंपेयर कर लेता है
तो इस तरीके से हम फिर क्रॉस कंट्री एनालिसिस के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी के फिगर को यूज करते हैं, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ सेम प्राइसेस होता है, इट विल बी कंपेयरेबल। सो अनदर हमने रियल इनकम देख लिया कि रियल इनकम ये हमारा बेसिक इंडिकेटर है फॉर डेवलपमेंट। सेकंड चाइना, इसी के हम एग्जांपल लेते हैं, चाइनाज 2008 जीएनआई पर कैपिटा वाज ओनली 6% ऑफ डेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूजिंग द एक्सचेंज रेट कन्वर्जन, बट राइजेस 13% व्हेन एस्टिमेटेड बाय परचेजिंग पावर मेथड ऑफ कन्वर्जन। आप ये एक फिगर आपके सामने है। एक मैं और बताता हूँ, इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा जीएनआई पर कैपिटा जो है वो यूएसए की है, करंट फिगर मुताबिक, 2020 के मुताबिक सबसे ज्यादा नॉमिनल जीएनआई पर कैपिटा किसकी है, यूएसए की ज्यादा है। दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना की है। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना की जीएनआई पर कैपिटा जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से वो रियल फिगर होता है। दैट्स व्हाई आपने सुना होगा चाइना जो है जी वो यूएसए से आगे चला गया या एंड सो ऑन। इनकम गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर नेशंस दस टेंड टू बी लेस व्हेन परचेजिंग पावर पैरिटी इज यूज्ड। ओवरऑल द एवरेज इनकम पर कैपिटा इन हाई इनकम कंट्रीज इज मोर देन 28 टाइम्स दैट इज लो इनकम कंट्रीज एंड 7 टाइम्स हायर देन इन मिडिल इनकम कंट्रीज। Another indicator of development like health and education. Health would be measured as the life expectancy, the rate of undernourishment, the under 5 mortality rate, crude birth rate. बच्चे जो पैदा होते ही फोत हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको उससे हम मेजर कर लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, हेल्थ को, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जरिए भी मेजर कर लेते हैं। एंड एजुकेशन वुड बी मेजर्ड एज द मेल फीमेल अडल्ट लिटरेसी रेट के जरिए भी मेजर कर लेते हैं। फिर मजीद एडवांस भी चले जाते हैं, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशो के जरिए भी मेजर कर लेते हैं, सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट रेशो के जरिए भी मेजर कर लेते हैं। सो दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ तक काफ़ी है, हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।